हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटन हम मार्केट से ख़रीद के लेके आ गए हैं और अभी हम इसके छोटे छोटे पीस बनाएंगे और उसके बाद फिर इसको अच्छे से धो लेंगे और अच्छे से इसको सफ़ा कर लेंगे। तो पहले इसका पीस बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो मटन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे मटन हैं। 1.5 किलो मटन हम लेकर आए हैं। पहले तो इसका फ्राई करेंगे अच्छे से, और फ्राई वाला भी रखेंगे और फिर तरी वाला भी हम अलग से बनाएंगे। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमारे सारे जो पीस थे उसको हमने छोटे छोटे कर दिए हैं। अभी बस इसको धो लेना है अच्छे से। तो अभी इसको धो लेते हैं, तब तक हम मसाला भी पीस लेते हैं। तो अभी हम मसाला इसमें पीसने लगे। देखिए, सिलबट्टे में प्याज लहसुन और अदरक है। इसमें प्याज लहसुन अदरक तीनों चीज़ों को हम एक साथ ही सिलबट्टे में पीस लेंगे। सिलबट्टे में पीसने से क्या होता है, जो हमारा सब्ज़ी है और जो हमारा मसाला बनेगा वो सब्ज़ी में टेस्ट कुछ ज़्यादा ही आएगा सिलबट्टे में, अगर हम पीस के ऐड करेंगे तो। मसाला पीस गया है, अभी हम कुकर में तेल ऐड कर लेते हैं। अभी तेल गरम कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके आपको दिखाएंगे। तेल गरम हो चुका है और अभी हम सबसे पहले इसमें जीरा ऐड कर रहे हैं। देख सकते हैं, जीरा हमने ऐड कर दिया है। तो जीरा थोड़ी देर फ्राई होगा। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं, एक कटोरी टमाटर हमने काट लिया है छोटे छोटे पीस में, और इसको भी हमें जीरे के साथ और तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले को ऐड कर लेंगे। तो जो मसाला हमने अभी अभी सिलबट्टे में पिसा था, वही मसाला हमने इसमें अभी ऐड कर दिया है। सबसे पहले जीरा, फिर टमाटर, और उसके बाद जो मसाला बनाते हैं वो मसाला हमें ऐड करना होता है। अभी इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं और मसाले को बहुत अच्छे से पका लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटन के पीस। तो सबसे पहले इसको थोड़ा फ्राई करते हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है और अभी हम इसमें सारे मटन के पीसेस को ऐड कर लेंगे। और उसके साथ आप देख सकते हैं, हमने इसमें 2-3 पीस आलू भी ऐड कर दिया है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ये अलग तरीके से बनता है। आलू ऐड करने से सब्ज़ी का टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो आप भी अगर चाहे तो आलू भी ऐड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अभी हम कुछ टाइम तक इसको फ्राई करने के लिए रखते हैं और बाकी उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। फिर तो अभी हम सबसे पहले इसमें हल्दी ऐड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं, 2 से 2.5 चम्मच हल्दी हमने ऐड कर दिया है। और अभी नमक ऐड कर लेते हैं। नमक भी 2.5 से 3 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ और तेल के साथ, जिससे कि सारे पीसेस में भी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और फिर कुछ टाइम तक इसको फ्राई करना है। और अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया है 2 चम्मच के करीब। अभी इसको दोबारा से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चम्मच गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। तो 1 चम्मच गरम मसाला हमने ऐड कर दिया इसमें। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसके साथ और फिर कुछ टाइम तक के लिए फ्राई करने के लिए रखते हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी स्वाद अनुसार ऐड करना है, जितना आपको तरी रखना है उतना ही आपको इसमें पानी ऐड करना है। अगर कम तरी वाला आप खाना चाहते हैं तो कम पानी ऐड कर लेना है, और अगर ज़्यादा तरी रखना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा तरी रखना नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा कम पानी ऐड करा है। अभी इसको कुछ टाइम तक के लिए ढक देते हैं और उसके बाद आपको एक फाइनल लुक दिखाएंगे। 2 सीटी लगने के बाद देखिए, हमने अभी कुकर की ढक्कन निकाल दिया और देखिए हमारा सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गया है।
कितने अच्छे से देखिए ये तैयार हुआ है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो इसी तरीके से आप भी दोस्तों अपने घर पे मटन बना सकते हैं बहुत इजीली। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो अभी एक फाइनल लुक दिखा देते हैं आप लोगों को कि कैसा हमारा रेसिपी बन के तैयार हुआ है। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट का टाइम है तो बिल्कुल लास्ट में ही हमें धनिया पत्ता ऐड करना होता है। तो हरी धनिया हमने ऐड कर दिया है और ये आप देख सकते हैं हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और जो मटन के पीसेस थे वो भी अच्छे से एकदम पक चुका है और अभी खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।